सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग, जैसा कि गाइस आपने थंबनेल में देख लिया होगा। एंड रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी अभी मैंने अपलोड किया था कल, तो वहाँ पे मैंने मतलब डाला था फोटो, ये तो वहाँ पे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था इस फोटो पे। तो गाइस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। भाई गाइस इस वीडियो में जो भी प्रोसेस होगा इस वीडियो का और जो भी स्टॉक वगैरह होगा सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। भाई गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज किस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये मेरी फोटो जिसमें मतलब कि गाइस मैंने इस तरीके से क्लिक करवाया था, आप लोग पोज वगैरह देख लो, आप लोग इस तरीके से क्लिक करवा लेना। उसके बाद आप लोग करना कि गाइस यहाँ पे आपको ऐड फोटो में चले जाना है, आपको ये फोटो मिलेगी ठीक है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आपको ये फोटो लेनी है। एंड इसको लेने के बाद जो है आप लोग सिंपली इसको क्रॉप कर लेना है ठीक है। मैं यहाँ पे गाइस इस फोटो को यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको कोई और स्काई अगर आपको यूज़ करना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर लेना, आपको गूगल पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो अभी जो है हम यहाँ पे कुछ स्टेप से जो है हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे, इसको हम जो है यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे। और क्रॉप कर लेने के बाद आप लोग को फिर क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर की साइड में इस तरीके से रख देना है। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन कर देना है। डन हो जाने के बाद आप लोग फिर क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे स्ट्रेच वाला एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ठीक है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है स्ट्रेच के ऊपर जो कि गियर ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो है यहाँ पे सेटिंग्स रख लेनी अपने हिसाब से। तो यहाँ पे फोटो का आपको जूम करना है एंड यहाँ पे जो है मतलब मैं सेटिंग्स पहले इसकी अच्छे से कर लेता हूँ, यहाँ पे साइज़ छोटा कर लूँगा यहाँ पे। और उसके बाद जो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे पेंट करेंगे, यानी कि हम इसको थोड़ा लिक्विड टाइप में बनाएंगे इस तरीके से ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इसे फटाफट, फिर आपको बताता हूँ आपको आगे करना है। तो यहाँ पे आप लोग जो है मतलब कि छोटा बड़ा एक छोटा बड़ा कर लेना है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो थोड़ा सा, फिर एक लंबा सा ऐसे कुछ इस टाइप से आपने देख लिया होगा फोटो को ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कर लेना है। अभी मैं यहाँ पे इसको फटाफट करता हूँ, ध्यान बताता हूँ आपको आगे करना है। ओके गाइस यहाँ तक हो चुका है हमारा। इसके बाद आप लोगों को दोबारा ऐड फोटो में चले जाना है, जो फोटो आपने ऐड किया था आपको सिंपली उसी फोटो को वापस से ऐड कर लेना है जो आपने सबसे फर्स्ट में अपना फोटो ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं उसको ऐड कर लूँगा यहाँ पे ठीक है। जब आप उसको ऐड कर लोगे तो गाइस उसके बाद आपको करना है कि आपको इसको फुल स्क्रीन करना है वैसे सेम साइज़ में, क्योंकि गाइस क्या होगा कि आपके हाथ वगैरह हेयर्स वगैरह ये सब भी रिमूव हो जाएंगे उसमें, जैसे कि आप इसको करोगे जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरा हैंड रिमूव हो गया है। तो आपको इस तरीके से पेंट कर लेना है इसको एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उन सबको दोबारा से यहाँ से रिमूव कर लेना है आपको। तो यहाँ पे ये हिल गया, इसको मैं वापस कर लेता हूँ। तो बाकी इसका जो जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे रिमूव हो चुका है उन सबको फिर यहाँ से हटा देना है इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे ब्रश वगैरह भी ऐड करेंगे ठीक है, इसको मैं फटाफट करता हूँ थोड़ा। अब देखिएगा यहाँ पे इतना जाने के बाद आपको ऐड फोटो में जाना है, यहाँ से एक ब्रश का पीएनजी आपको ऐड करना है ये वाला ठीक है, ये वाला ये भी मिल जाएगा आपको, डाउनलोड कर लेना है ठीक है। इसके बाद आपको उसका साइज़ छोटा करके इस तरीके से, और फिर जो है आपको फोटो को जूम करना है एंड यहाँ पे हैंड के पास कुछ इस तरीके से लगा देना है, और जहाँ पे आप मतलब ये पेंट वाला ये बनाया होगा आपने उस जगह पे आपको उसको रख देना है अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पे रिमूव इरेजर टूल में जाके आपको ऊपर का जो पेंट है इसको रिमूव कर देना है पहले ठीक है, एंड ये जो ये वाला है इसको भी रिमूव कर देना है इस तरीके से। ओके गाइस तो यहाँ तक हो जाने के बाद आप लोग को फिर क्या करना है, यहाँ पे आप चाहो तो आप फोटो को डन कर सकते हो ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोग को फिर दोबारा ऐड फोटो में चले जाना है एक बार, एंड यहाँ से जो है आपको कुछ बटरफ्लाई के जो है पीएनजी को ऐड करने हैं, वो ये रहे ठीक है। इसमें आपको काफ़ी सारे बटरफ्लाई मिल जाएंगे, यहाँ पे 6-7 हैं, इसमें आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं इसमें से ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मतलब आपको जो है ना बटरफ्लाई के जो पीएनजी इनको साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा करके रखना है ठीक है। एंड उसके बाद आपको इरेजर टूल में चले जाना है एंड जो यहाँ पे ये वाला है इसको रिमूव कर देना है ठीक है, ये वाला बस आपको दो ही रखने हैं इनमें से और बाकी को रिमूव कर देना है। एंड इसको एक डुप्लीकेट बना लेना है, एक मैं अपने ऊपर यहाँ पर रख लेता हूँ बैग के पास ठीक है। एंड बाकी अगर आप चाहो तो एक दो अपने हिसाब से आपको जहाँ कहीं मतलब लगे वहाँ पे भी लगा सकते हो। बाकी इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर इफेक्ट में चले जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको एफएक्स दिखेगा यहाँ पे, सिंपली इस पे चले जाना है। इस पे जाने के बाद पहले आपको नॉइज़ मिलेगा आपको सबसे स्टार्टिंग में सेकंड थर्ड नंबर पे, जो फर्स्ट लेके थर्ड पे। उसके बाद आपको इसके ऊपर एक बार टैप करना है, फिर उसके बाद इसकी सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर जो फेड है इसको आपको सिंपली यहाँ पे 80-90 के आसपास रख देना है, 82 के आसपास रख देना है। फिर उसके बाद ऊपर से मर्ज कर देना है, फिर उसके बाद आपको साइड में स्क्रॉल करना है ठीक है। एंड एकदम एंड में चले जाना है, आपको यहाँ पर कुछ मिलेगा 1991 वाला या फिर 1992 वाला, तो 1991 वाला जो है ये रखना है आपको ठीक है। फिर इसका इस पर एक बार टैप करना है, इसका फेड जो है आपको यहाँ पे अराउंड रखना है यहाँ पे 70 के आसपास ठीक है। इसका डन कर देना है। इतना हो जाने के बाद आप लोग अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है एंड इसको लेके चलना है फिर लाइटरूम ऐप में, क्योंकि रिटच करके हमें इसे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनानी है, तो इसको हम लाइटरूम ऐप में लेके चलते हैं। सो सबसे पहले हम इसकी लाइट को करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे,
कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने का पहले इसका हाईलाइट्स को, फिर उसके हम यहाँ पे थोड़ा माइनस कर देंगे, ब्लैक्स को कम कर देंगे एंड शेडो को इंक्रीज कर देंगे। ओके सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ से चले जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको इसका वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड उसके बाद मिक्स में चले जाना है और कलर सेलेक्ट करना है, इसका ल्यूमिनस पहले आपको बढ़ा देना है, फिर उसके बाद इसका सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है यहाँ से ग्रीन कलर में, इसका ह्यू माइनस कर देना है, येलो कलर लेना है इसका भी ह्यू माइनस कर देना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है, फिर इसके बाद ब्लू कलर लेना है एंड इसका जो ह्यू है इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो ल्यूमिनस थोड़ा सा बढ़ा देना है और उसके बाद आप लोगों को जो यहाँ पे सैचुरेशन भी थोड़ा सा माइनस की तरफ कर देना है, फिर डन करना है, फिर कलर ग्रेडिंग वाले टूल में चले जाना है, यहाँ से आपको पहले शेडो में जाना है, यहाँ पे पहले इसकी सैचुरेशन अराउंड आपको बढ़ा देनी है 16 तक एंड उसके बाद इसका शेडो जो रखना है मतलब जो ह्यू है उसको ब्लू तक रखना है एंड उसके बाद सेम यही करना है इसमें भी मिड टोन में भी, फिर इसका डन कर देना है, फिर चल जाना इफेक्ट वाले टूल में, फोटो के यहाँ पे पहले आपको क्लियरिटी बढ़ा देना है एंड फोटो में डाल देना है विगनेट अपनी फोटो के अकॉर्डिंग एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको हमें मिलेगा फीदा, आपको इसको 100 प्लस कर देना है, फिर नीचे वाले टूल में जाकर आप फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना है एंड फाइनली गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।